मुस्लिम लीग नून का इलेक्शंस के हवाले से वाइट पेपर तैयार करने का ऐलान। फॉरम 45 के हवाले से मीडिया पर झूठा बयानियां चलाया जा रहा है। मुहिम चलाएगी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, नून लीग भाग रही है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर ने कहा, जमहूरियत को डीरेल करने के लिए फॉरम 45 के साथ खिलवाड़ किया गया। धांधली होती तो राणा सनाउल्लाह और साद रफीक हारते। जाली फॉरम 45 पर दस्तखत के बजाय सिर्फ अंगूठे लगे हैं। मलिक अहमद खान बोले, सियासत के लिबादे में गैर सियासी लोग इंतशार फैला रहे हैं। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी मसाइल भी हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रबते बहाल। लतीफ कोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोनिक रबता। नंबर गेम और इलेक्शन के बाद की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। लतीफ कोसा के इतिहादी अमल को विफाक की सतह पर भी बढ़ाने की तजवीज़। लियाकत बलोच लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगु में बोले, पीटीआई से गैर मशरूत इतिहाद की बात की है, हुकूमत में हिस्सादार नहीं बनेंगे। लतीफ कोसा के प्रपोजल के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। हुकूमत साजे के साथ गवर्नर्स की तकरीरी। जराए के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए राणा सनाउल्लाह का नाम जेर गौर। ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने पर राणा सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब का मनसब मिलने का इम्कान। विफाक में इतिहाद के बाद किसी इतिहादी जमात को गवर्नर पंजाब का ओहदा ना दिया जाए, लीगी रहनुमाओं की राय। निगरान विफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67% इजाफे की मंजूरी दे दी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 300 रुपए फी एम एम बी टी यू इजाफा होगा। फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इतलाक 1 फरवरी से होगा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम वसूलात की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ट्रेनों के किरायों में इजाफा डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बायस किया गया। नई कीमतों पर आज से अमल दरामद किया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीड बस के किरायों की ओवर स्पीड। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने किरायों में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। ऑरेंज ट्रेन का कम से कम किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। ऑरेंज ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया। स्पीड बस पर सफर करने वालों को अब 15 के बजाय 20 रुपए अदा करना होगा।